तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन के बारे में। और एग्जाम्पल नंबर वन कहता है बच्चों, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। क्लियर बात है, हमें ये प्रूफ करना है कि एक जो रेक्टेंगल होता है उसके चारों एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो देखो भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमें करना कैसे है ये। दिस वन ए बी सी डी, ये हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है। क्लियर, हमें ये प्रूफ करना है कि इस रेक्टेंगल के ऑल दी फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर बात है। देखो, आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना, अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। क्लियर बात है। तो यहां से आप लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सबसे पहले सिंस ऐसे लिखना, सिंस अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल एज राइट एंगल इज नोन एज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन है कि एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे आप रेक्टेंगल कहते हैं। तो मतलब हम इसे एक पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे और इसका एक एंगल हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, 90 डिग्री। लो भाई, आपने इसका एक एंगल 90 डिग्री लेट कर लिया ये, क्योंकि तभी तो ये रेक्टेंगल होगा। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री हैं। क्लियर बात है, ऑल दी फोर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। देखो बच्चों, आपको ये तो पता है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो नो डाउट ये इसके पैरेलल होगा। अगर ये इसके पैरेलल होगा तो नो डाउट, यहां पे मेंशन भी कर देते हैं, सिंस डीसी पैरेलल टू ए बी देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, रीजन विल बी को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए की वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहां पर 180, एंगल डी विल बी 180 माइनस 90, एंगल डी विल बी 90 डिग्री। लो भाई, सेकंड एंगल आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। ऐसे ही आप देखो, ये दोनों लाइंस भी कैसी हैं बच्चों, पैरेलल है, तो उस हिसाब से तो ये भी एक सी बनेगा। और यहां से पहले लाइंस पैरेलल लिख देते हैं, ए डी पैरेलल है बी सी के, देयर फॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इट विल बी 180 डिग्री, इट अगेन को इंटीरियर एंगल्स। पेपर में आप लोग पूरा लिख के आना इसको, एंगल ए 90 है, एंगल बी 180, एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, एंगल बी इज 90 डिग्री। लो भाई, अभी तक आप थ्री एंगल्स इसके 90 डिग्री प्रूफ कर चुके हो, एक को लेट किया, दो प्रूफ किए। नेक्स्ट एंड लास्ट, आपको पता है ये दोनों अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सर, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये फाइनली आपका एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आएगा। देखो भाई ध्यान से, एंगल ए आपने लेट किया हुआ था 90, बी 90, सी 90 और डी 90। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सभी कितने हैं, 90 डिग्री हैं। इट इंप्लाइज दैट ऑल दी एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो ये बात आपको प्रूफ करनी थी, क्लियर है। सबसे पहले आप एक एंगल 90 डिग्री लेट करके चलेंगे, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल तभी कह सकते हो आप जब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो, और बाकी सबको आप को इंटीरियर एंड
अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से प्रूव करेंगे। क्लियर है? तो ये था एग्जांपल नंबर वन। अभी डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर टू। तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर टू के बारे में। कहता है शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस दैट जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक रोम्बस फॉर्म करते हैं। इट इज अ रोम्बस ए बी सी डी। क्लियर? ये डायगोनल्स हैं। आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब सेंटर पर ये सभी एंगल्स आपको 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग देखो आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगर आप टू प्रूफ की बात करें, आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो इसके डायगोनल है ए सी एंड बी डी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ प्रूफ, इधर ध्यान देना बेटा। अगर आपको ये दोनों एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने हैं, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। और मैंने कॉन्ग्रेंट कर सकता हूं क्योंकि कंडीशन है मेरे पास, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। रीजन इज व्हाट? ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर दिस वन कॉमन, दिस वन एंड दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस वन साइड। आप सोच रहे हो क्यों? क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं? तो कंडीशन लगाते हैं इन ट्राइंगल, वॉट इन ट्राइंगल डी ए ओ डी सी ओ। फर्स्ट कंडीशन इज वॉट? डी ए इज इक्वल्स टू डी सी। रीजन इज वॉट? ऑल साइड्स of rhombus are equal. And what is the second condition? DO is equals to DO. Its common side. And the last condition is what? AO is equals to CO. Reason is what? Diagonals of rhombus bisect each other. So by side congruency, ये जो आपका triangle है ना DAO, it is congruent to triangle DCO. इसका मतलब angle one और एंगल टू आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या होना चाहिए? एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, इट्स बाय सीपी सीडी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो वन एंड टू इक्वल हो गया आपके। क्लियर है? इसके बाद आपको पता ही क्या करते हैं हम लोग, एंगल वन प्लस एंगल टू कितना लिखेंगे? 180 डिग्री, इट्स बाय लीनियर पेयर। अब एक काम करते हैं, दोनों को या तो वन से रिप्लेस कर देते हैं, दोनों को टू से, दोनों को वन बना देते हैं। एंगल वन प्लस एंगल वन 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल वन 180 डिग्री, एंगल वन इज इक्वल्स टू 180 बाय टू, और फाइनली एंगल वन विल बी 90 डिग्री। एंगल वन कितना आ जाएगा भाई? 90 डिग्री आएगा। और एंगल 190 होने का मतलब क्या है? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। इट मींस दैट एसी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके बीडी पर। और यही बात आपको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। बात समझ में आती है? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर टू। अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर थ्री के बारे में। क्लियर?
तो एग्जांपल नंबर थ्री कहता है बच्चों ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपका ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, देन इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, देन कहता है ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। अब एंगल पी ए सी ये देखो, ये ए डी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता है, क्लियर बात है। उसके बाद ये कहता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ये भी देख लिया हमने ए बी सी डी के पैरेलल है। अब बात करते हैं, ये कहता है शो दैट एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी मतलब ये वाला जो एंगल है ये प्रूफ करना है इक्वल्स टू बी सी ए के। तो ये रहा आपका बी सी ए, मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, क्लियर बात है। तो देखो टारगेट आपको समझ में आ गया कि ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूफ करने हैं, क्लियर। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले आप इस एंगल को मानो वन और इस एंगल को मानो आप टू, क्लियर। आपको सबसे पहले बताया गया कि एडी क्या है, बाइसेक्टर है। अगर एडी बाइसेक्टर है तो बी और ए जो वन एंड टू क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में यही लिखो, सिंस एडी बाइसेक्ट एंगल व्हाट, बाइसेक्ट एंगल पी ए सी, देयरफॉर आपका जो एंगल वन है इट विल बी एंगल इक्वल्स टू एंगल टू, और आप इक्वेशन वन ड्रॉ कर लो, क्लियर बात है। सेकंड थिंग, आप इस ट्रायंगल में आ जाओ जरा, इस ट्रायंगल में एक एंगल आपका थ्री होगा और ये वाला एंगल आपका फोर होगा। आपको पता है इस ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल है ए बी एंड ए सी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। रीजन क्या है, गिवन है ए बी के अपोजिट में एंगल फोर और ए सी के अपोजिट में एंगल इक्वेशन नंबर टू, और रीजन क्या रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर है। ये दो इक्वेशंस बनाने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे, इधर ध्यान दो भाई। अब आपको पता है एक ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है बच्चों, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप किसी ट्रायंगल की कोई साइड आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। अब आप अपने ट्रायंगल में आ जाओ जरा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो आपका एंगल है ना पी ए सी, पी ए सी देखो यहां पी है, यहां ए है और यहां सी है और ये बी है, तो जो आपका एंगल पी ए सी बनता है वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, मतलब थ्री प्लस फोर के इक्वल होगा। एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, और इट इज बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्लियर बात है। अब आप ये जो एंगल है ना आपका पी ए सी, पी ए इसे आप क्या लिख सकते हो, एंगल वन प्लस एंगल टू, तो पी ए सी को रिप्लेस करते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू, और ये एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, क्लियर। आपको पता है कौन से दो एंगल बचाने हैं, एक तो टू और एक फोर, क्योंकि यही इक्वल करने हैं ना, टू एंड फोर इक्वल करने हैं ना, तो एक काम करते हैं टू एंड फोर को बचाओ, वन और थ्री को रिप्लेस करो। वन किस में रिप्लेस हो जाएगा, टू में, और थ्री किस में रिप्लेस हो जाएगा, फोर में। वन बन जाएगा टू और एंगल थ्री बन जाएगा आपका एंगल फोर, और यहां लिख दो बाय यूजिंग वन एंड टू, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये ट्वाइस ऑफ एंगल टू हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एंगल फोर हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल फोर हो जाएगा, क्लियर बात है। ये जो आपका एंगल टू है ना बच्चों, यही एंगल डी ए सी है, और ये जो आपका एंगल फोर है यही एंगल बी सी
ए, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका फर्स्ट वन जो पार्ट है वो प्रूफ हो गया, क्लियर है? हाँ जी बेटा, मेरे बच्चे वो लाइन पैरेलल नहीं है, समझ गए? इसमें अल्टरनेट नहीं लगा सकते क्योंकि लाइंस पैरेलल, इसके बेस पे तो अभी हम लाइन पैरेलल करेंगे उल्टा, समझ गए ना? अल्टरनेट तब तक इक्वल नहीं लिख सकते आप लोग जब तक लाइंस पैरेलल गिवन ना हो। अब आ जाओ जरा अपने सेकंड पार्ट पर। आपको पता है सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए तीन रास्ते होते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करो, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ करो, या किसी एक पेयर को पैरेलल एंड इक्वल दोनों प्रूफ करो। अब देखो बच्चों, ये वाली लाइंस तो गिवन है पैरेलल है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ना कि ये भी पैरेलल है तो आपका काम हो जाएगा ये, ठीक है? तो आपको प्रूफ करना है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। ये तो मुझे पता है कि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल मुझे इन्हें करना है। अरे 2 3 तो 2 4 तो इक्वल करके आए हो आप लोग अभी, ठीक है ना? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आप लोग प्रूफ करके आए हो अभी, तो क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ये जो लाइन है ना बच्चों एडी, इट इज पैरेलल टू बीसी। और मैं यहीं पर बता सकता हूं आप लोगों को कि जो ए बी है वो पैरेलल है सीडी के, और इसका रीजन भी दे सकता हूं मैं, गिवन ये तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए ना, दोनों पेयर पैरेलल हो गए। अब तो एक गिवन और एक ये प्रूफ किया आपने, सिंस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर पैरेलल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और यही आपको क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है, क्लियर है? आपको यही प्रूफ करना था कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है, टू पैरेलल लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल बी। हमारे पास दो लाइन है एल एंड एम, एंड इट इज अ ट्रांसवर्सल बी। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। अब देखो यहां पर जब दो लाइन आपके पास पैरेलल लाइंस होती है ना, और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, तो आपके पास एक इंटीरियर एंगल ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, और एक ये बनता है। क्वेश्चन कहता है कि इन सब के बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है आपको प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। आपको ये प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल है, क्लियर है? तो देखो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं गिवन पर, और गिवन में मुझे एक बात समझ में आती है कि आपको बताया गया है कि एल जो है वो पैरेलल है एम के, एंड आपको प्रूफ क्या करना है, सॉरी आपको एक बात और भी गिवन है, ये सब बाइसेक्टर है। देखो कहां से स्टार्ट करता हूं मैं, इधर देखो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ए बी सी बी सी डी और ए डी, मैं इनको बाइसेक्टर्स लिखूंगा, ए बी सी बी सी डी एंड ए डी आर बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑफ इंटीरियर एंगल्स। व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि जो बना है ना ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अभी प्रूफ करते हैं, देखो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, इधर ध्यान दो,
अगर इस क्वाड्रिलेटरल को आपको प्रूफ करना है रेक्टेंगल, तो आपको इसके चारों एंगल 90 डिग्री दिखाने पड़ेंगे। एक रास्ता तो यह है, एक रास्ता यह है कि पहले से पैरेललोग्राम दिखाओ, फिर कोई एक एंगल 90 डिग्री दिखाओ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों 90 चाहिए और पैरेललोग्राम का एक 90 चाहिए, तब जाके बनेगा ये रेक्टेंगल। तो मैं इसके चारों एंगल 90 दिखाता हूँ, और चारों एंगल 90 होंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ, इधर ध्यान देना बेटा, मैं टारगेट करता हूँ इस एंगल को। सबसे पहले मैं इसे राइट एंगल दिखाऊंगा, ठीक है, और वो देखो मैं कैसे दिखाता हूँ, इधर ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको पता है इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो लिखो सिंस एल पैरेलल टू एम देयर फोर एंगल ए सी आर प्लस एंगल एस ए सी 180 डिग्री, इट्स अ को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गई ना बात, को इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्यों? आप पेपर में पूरा लिखना को इंटीरियर, दिस वन एंगल प्लस दिस वन एंगल मैंने लिखा है 180 डिग्री। अब एक काम करते हैं, हम इसे डिवाइड बाय टू करते हैं इन बोथ साइड। देखो ऐसा करने के पीछे मेरा एक मोटिव है, एंगल ए सी आर बाय टू हो जाएगा, क्लियर, और एंगल एस ए सी बाय टू हो जाएगा, और इधर 180 बाय टू हो जाएगा, क्लियर। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा था, इधर देखो मुझे इतना पता है कि अगर मैं इस एंगल का हाफ करूंगा तो एंगल 1 आ जाएगा, और इस एंगल का हाफ करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एंगल 1, और ये आपका बन जाएगा एंगल 2, और इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये 90 डिग्री। इक्वेशन बनाएंगे 1, और यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा आपको, आपने इस एंगल का हाफ 1 कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपका सी डी है और ये जो आपका ए डी है, आर बाइसेक्टर्स, ये क्या है भाई, बाइसेक्टर्स हैं, कौन से एंगल का, ये तो है ए सी आर का और वो है एस ए सी का। नाउ एक काम करते हैं, इसे एंगल बना लेते हैं 3, और आपको पता है इस ट्रायंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री, इट्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से आपका 1 प्लस 2 तो 90 है, तो 1 प्लस 2 90 मेंशन कर देते हैं, 180, तो फाइनली एंगल 3 कितना आएगा, 180 माइनस 90, और एंगल 3 कितना आएगा, 90 डिग्री। एंगल 3 कितना आएगा, तो मैंने इसका एक एंगल टारगेट कर दिया 90। अगर ये काम जो हमने लेफ्ट में किया है, सॉरी राइट में किया है, अगर यही काम हम लेफ्ट साइड में करते तो मेरे ख्याल से ये एंगल 4 आ जाता, कितना। सिमिलरली एंगल 4 भी आ जाता आपका 90 डिग्री। अच्छा इसकी बात करूं, एंगल 3 में किसको कह रहा हूं, एंगल डी को, और एंगल 4 में किसको कह रहा हूं, एंगल बी को। देखो भाई हम इसके टू एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ कर चुके, क्लियर है, लेकिन ध्यान रखना सिमिलरली बाकी टू नहीं होंगे, उसके लिए आपको प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, क्लियर है। अभी तक हम टू एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ कर चुके हैं, अभी टू और करने हैं, देखो कैसे होंगे। इधर देखो बच्चों, जैसे आपने यहां को इंटीरियर यूज किया था ना, यहां पर लीनियर पेयर यूज कर रहे हैं, दिस वन प्लस दिस वन, क्लियर। तो यहां से एंगल क्यू सी ए प्लस एंगल आर सी ए, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे भाई, दीज आर लीनियर पेयर। अगर मैं शॉर्ट में भी लिखता हूँ भाई, तो आप कंप्लीटली लिखना नेम, आप शॉर्टकट नहीं लिखेंगे,
इधर देखो भाई, फिर से डिवाइड बाय टू इन बोथ साइड करते हैं, देन व्हाट यू विल गेट, व्हाट यू विल गेट, इधर देखो, आप अगर क्यू सी ए का हाफ करेंगे और यहां पर आर सी ए हाफ लिखेंगे और यहां 180 बाय 2 लिखेंगे, क्लियर है? इधर ध्यान देना, अभी आपको पता है ये जो एंगल है आपका क्यू सी ए, इसका हाफ बनेगा ये वाला एंगल, और 1 2 3 4 आप यूज कर सके 5, और इधर वाले का हाफ तो 1 बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा एंगल 5 और ये आपका एंगल बन जाएगा 1 और ये हो गया 90। यहां भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि जो सी बी है और सी डी है ये बाइसेक्टर है, सी बी एंड सी डी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू सी ए एंड एंगल आर सी ए, ये इन दोनों के बाइसेक्टर्स हैं, क्लियर? आपको पता है एंगल 1 + 5 ही एंगल सी है, तो ये तो इसका मतलब एंगल सी कितना आ गया 90 डिग्री, थर्ड आ गया। सिमिलरली अगर यही काम हम ऊपर कर दे तो आपका एंगल ए बी आता 90 डिग्री। देखो चारों एंगल 90 आ गए, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी सबको हमने बॉक्सेस में फिल किए हुए हैं। सिंस ऑल दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर राइट एंगल, आर राइट एंगल्स, देयरफॉर एंगल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। मैंने कहा था या तो मैं इसे पैरेललोग्राम बना के एक एंगल राइट एंगल दिखाऊंगा या फिर चारों एंगल 90 दिखाऊंगा तो भी ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो मैंने इसके ऑल दी 4 एंगल्स राइट एंगल दिखाए हैं और ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, क्लियर है? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है ये। तो बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्म करते हैं एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अभी एंगल ए बी सी एंड डी इन सबके बनाने वाले हैं हम लोग बाइसेक्टर्स, तो ये आपका एंगल ए का बाइसेक्टर हो जाएगा, ये आपका एंगल डी का बाइसेक्टर हो जाएगा और ये आपका एंगल सी का बाइसेक्टर हो जाएगा और ये आपके एंगल बी का बाइसेक्टर हो जाएगा, और आपको प्रूफ करना है कि इनके बाइसेक्टर से जो ये क्वाड्रिलेटरल बनता है ये अपने आप में क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, क्लियर बात है? तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं गिवन, जिसमें आपको बताया गया है कि ए बी सी डी क्या है, इज आ पैरेललोग्राम फर्स्ट वन थिंग, उसके बाद आपको ये पता है ए एस बी क्यू सी क्यू एंड डी एस आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव, आपको पता है मैंने कहां से लिखा है गिवन, मैंने ऐसे लिखा, देखो ए एस बी क्यू सी क्यू एंड डी एस, ये बाइसेक्टर है ए बी सी एंड डी के,
इसके बाद अगर हम लोग प्रूफ करने की बात करें तो आपको प्रूफ करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। देखो फिर से आपको करना क्या है, करना यह है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री दिखाने हैं, इसके चारों एंगल 90 डिग्री दिखाने हैं। देखो कैसे दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे, क्लियर है? इधर ध्यान दो भाई, ये पैरेललोग्राम है ना, ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, ये पैरेलल है, क्लियर? कोई इशू नहीं है। अब अगर ये पैरेलल है तो वही इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्लियर? लिखो सिंस डीसी पैरेलल टू एबी, देयरफॉर एंगल सी बी प्लस सी लिख लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। आप पेपर में कंप्लीट लिखना को इंटीरियर एंगल्स, क्लियर? इधर ध्यान दो, डिवाइड बाय टू इन बोथ साइड, डिवाइड बाय टू इन बोथ साइड्स, व्हाट यू विल गेट, एंगल बी बाय टू, एंगल सी बाय टू एंड 180 बाय टू। आपको पता है बी का हाफ कितना लिखने वाले हम लोग, एंगल वन, और सी का हाफ लिखने वाले हैं एंगल टू। तो ये बन जाएगा एंगल वन और ये बन जाएगा एंगल टू और ये आ जाएगा 90 डिग्री, इक्वेशन वन। और रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस बी क्यू एंड सी क्यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। चलो आगे, अब आप एक काम करो, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल वॉट, इन ट्राइंगल ए, ए नहीं सॉरी बी सी क्यू, एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री 180 डिग्री। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री, और इट इज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस 2 90 यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 3 विल बी 180 माइनस 90, एंगल 3 विल बी 90 डिग्री। लो भाई एक एंगल, अच्छा अभी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी क्वाड्रिलेटरल से बाहर है, लेकिन ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। तो यहां लिखना, इट इंप्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, इट्स अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 4 कितना आ जाएगा भाई, एंगल 4 आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब एक एंगल हमने क्वाड्रिलेटरल का 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। सिमिलरली अगर यही काम आप राइट में करते हैं, तो ये जो 5 है ये भी 90 होता, एंगल 5 भी 90 डिग्री होता, टू एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ हो गए, क्लियर है? अभी थर्ड एंगल को टारगेट करना है, थर्ड में या तो पी को करेंगे या आर को, किसी एक को करेंगे, बाकी बाय सीपीसीटी लिखेंगे, सॉरी बाय सीपीसीटी नहीं, बाकी सिमिलरली लिखेंगे, क्लियर? अब आ जाओ जरा, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है ना, सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सिंस ए डी इज पैरेलल टू देयर फॉर व्हाट, क्या होगा बच्चों, एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम 180 डिग्री। रीजन इज व्हाट, दीज आर को इंटीरियर एंगल, डिवाइड बाय टू अगेन इन बोथ साइड्स, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट एंगल ए बाय टू एंगल बी बाय टू इज इक्वल्स टू 180 बाय टू। देखो इस बार ए बाय टू 6 और बी बाय टू 7, ये 6 और ये 7 और ये 90, इक्वेशन नंबर 2। और रीजन भी लिखेंगे, ए का बाइसेक्टर कौन है, ए एस, और बी का बाइसेक्टर है बी क्यू, सिंस ए एस एंड बी क्यू आर बाइसेक्टर्स, आर
बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। अब एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं 8 और इस पी ए बी इन ट्राइंगल पी ए बी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, 180 डिग्री, इट्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहां से आप 6 प्लस 7 की वैल्यू तो 90 यूज कर लेंगे और एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 आएगा। एंगल 8 180 माइनस 90 और फाइनली एंगल 8 आप 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तीन एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर चुका मैं इसके, सिमिलरली नाइन्थ भी, इसे आप मान लो नाइन्थ, तो ये आएगा सिमिलरली एंगल 9 भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। चारों 90 हो गए भाई, इसका मतलब ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। सिंस ऑल दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर राइट एंगल, आर राइट एंगल्स, देयर फोर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। चारों एंगल 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिए, तो ये बन गया एक रेक्टेंगल। क्लियर बात है? तो सिंपली दो बार को इंटीरियर लगाओ, डिवाइड करो दो दो इक्वेशन से, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल्स को इसके 90 डिग्री प्रूफ करना है, उसके बाद ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। क्लियर बात है? तो हमने आज एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 5 तक कवर किया इसमें।